जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में लेवेंडर किसानों में इस साल उम्मीद से ज्यादा पैदावार होने की वजह से खुशी की लहर है। कई चीजों में इस्तेमाल होने की वजह से लेवेंडर अपने आप में बेहद खास है। इसका इस्तेमाल खाने की चीजों में स्वाद बढ़ाने, औषधीय, सजावटी और चीजों में खास खुशबू के लिए किया जाता है। किसानों का कहना है कि लेवेंडर फूलों की मांग पिछले कुछ सालों में न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तेजी से बढ़ी है। बम्पर फसल के साथ किसानों ने उपज की कटाई और उन्हें सुखाना शुरू कर दिया है। किसानों को उम्मीद है कि पिछले सालों की तुलना में उन्हें इस बार बेहतर कीमत मिलेगी। लगभग 8 साल पहले शुरू किए गए केंद्र सरकार के अरोमा मिशन के तहत भद्रवाह घाटी के लगभग 2500 किसानों ने मक्का और धान जैसी पारंपरिक फसलें उगाने के बजाय विदेशी लेवेंडर फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा, खासकर अच्छी सड़क कनेक्टिविटी उनकी आय को और बढ़ा सकती है। इसके जरिए ज्यादा किसानों को लेवेंडर की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस बार जो क्रॉप है बम्पर क्रॉप है, पिछले साल के मुताबिक इस बार और भी अच्छी क्रॉप है। और इस बार हम यहाँ पे आए हैं, लोगों को काफ़ी अवेयर किया कि इस बार हम ड्राई फ्लावर पे ही काम करेंगे क्योंकि ड्राई फ्लावर की मार्केट में इंटेंस डिमांड है। इसलिए आज हम लोगों से मिले और किसान काफ़ी खुश है इस बार। मैं इस साल फसल बहुत अच्छी है, अच्छा कलर भी आया है। तो पहले हम तेल निकालने थी डिमांड की, आप तेल निकाल के दो, इस बार ने इस बार बोला कि हम खेत में से आपके फूल ले जाएंगे। और बहुत अच्छा है, देखो आज हमारी सीनरी कैसी है, खेतों की कैसा कलर है, सब कुछ ठीक है और हम खुश हैं इस खेती में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।